कार हमारे बीच में आज बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मशहूर ब्रीडर डॉक्टर हितेश सैनी जी हमारे साथ में हैं। और डॉक्टर साहब का काम जो है चिकपी पे और अन्य फसलों पे, और अभी खरीफ में देखिए इनका काम जो है उर्द पे चल रहा है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको रेन आउट शेल्टर, दैट्स गुड। तो इसको रेन आउट शेल्टर बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताएंगे कि इसमें कैसे कार्य किया जाता है और इसकी विधि क्या है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारे पास में जो फसलें होती हैं जी, तो हम ऐसी फसलों पे काम करते हैं जिनमें पानी की ज़रूरत कम होती है, तो हम इसमें अपना ब्रीडिंग मटेरियल लगाते हैं, उसमें बारिश से इसको बचाते हैं। बारिश जैसे ही ये बारिश होती है जी, तो ऑटोमेटिकली क्रॉप के ऊपर आके ये रेन आउट शेल्टर जो है ये खड़ा हो जाता है, इसको कर लेता है। इसमें कभी भी पानी नहीं पड़ा है, ये क्रॉप जो आप देख रहे हैं इसमें कभी भी पानी नहीं पड़ा है, जैसे ही बारिश हुई है तो ये इधर आके खड़ा होता है। तो इसमें जो लाइन है, जो वैरायटी कम पानी में चलती है, जैसे ड्राउट कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करती है जी, वो लाइनें हम इसमें आइडेंटिफाई करें। ओके, ठीक है। तो बेसिकली सिलेक्शन पर्पज के लिए, अगर हमें बेसिकली सिलेक्शन पर्पज जी, राइट। तो आपने देखा है जैसे कि एक ब्रीडर का काम होता है कि एक ऐसी उन प्रजातियों को वो सेलेक्ट करते हैं जिसमें पानी की कम आवश्यकता है। तो इसके माध्यम से हम लोग जो है बचाव करते हैं कि जिससे बारिश का पानी जो है फसलों पे ना जा सके, और उनमें से फिर वो उन फसलों को चयनित करते हैं जो कम पानी में सब अपने आप को सर्वाइव कर पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैसे स्लाइड हो रहा है, इसमें बिजली लगती है, क्या चीज़ लगती है? इसमें एक मोटर लगी हुई है जी, सेंसर लगे हुए हैं। ऑटोमेटिकली जैसे ही बारिश होती है, बारिश का माहौल बनता है जी, ये वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, वो देखेंगे वहाँ पे। ओके, उस पे जैसे ही बारिश की बूंदे पड़ती है या क्लाउडी मौसम रहता है तो ये ऑटोमेटिकली सेंस होके ओके तो वो मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो अगर लाइट की अवेलेबिलिटी ना हो, जैसे हम गाँव में लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये हमारे पास में एक इसका मैसेज आता है। अच्छा, ये साहब जो है, जैसे ये तो पता चल जाएगा कि बारिश का माहौल हो रहा है जी, तो अगर लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम इसको हाथ से भी मूव कर सकते हैं जी, तो मतलब मैन्युअली भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर इन केस अगर पैनल फेल हो जाता है, ऑटोमेशन फेल हो जाता है। क्या ये वही टेक्नोलॉजी है जिसको हम इजरायली टेक्नोलॉजी बोलते हैं? नहीं, ये इजरायली टेक्नोलॉजी, इजरायली टेक्नोलॉजी अलग होती है जी, लेकिन इसमें मेन चीज है कि हमने ऐसी क्रॉप को विकसित करना जो कम पानी में अपने आप को सर्वाइव कर सके, ये हमारा काम है और फाइनल प्रोडक्ट हम किसान को देंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि डॉक्टर साहब जो हैं इस समय, क्योंकि हमारे ब्रीडर साहब हैं, तो ये इस समय ऐसी फसलों का चयन कर रहे हैं जो मुख्यतः जो है कम पानी में सर्वाइव कर रहे हैं, और बुंदेलखंड को वास्तव में इसी तरह की फसलों की आवश्यकता है। बुंदेलखंड में अधिकतर